सौरभ सागर सेवा संस्थान के अभिन्न अंग जीवन आशा हॉस्पिटल में जब भी कोई लाचार परेशान दिव्यांग यहाँ आता है तो सर्वप्रथम हम उससे बात करते हैं, जिससे हमें पता लग चल सके कि वह किस तरह से इस हादसे का शिकार हुआ, किस तरह से उसने अपने शरीर का एक अंग खो दिया। उससे बात करने के पश्चात मरीज का नाप लिया जाता है। नाप लेने के पश्चात दिव्यांग को जीवन आशा हॉस्पिटल में रहने और खाने की निशुल्क सुविधा दी जाती है तथा 2 या 3 दिन के बाद जब उसका कृत्रिम अंग तैयार हो जाता है तब मरीज को हम बुलाकर उसका कृत्रिम अंग चेक किया जाता है कि वह उसको पहनने के बाद उसे कहीं किसी भी तरह की कोई परेशानी या कोई भी दिक्कत तो नहीं हो रही है। जब डॉक्टर्स तथा मरीज दोनों ही लिम्स के बनने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं उसके पश्चात मरीज की गेट ट्रेनिंग की जाती है। गेट ट्रेनिंग में दिव्यांग को चलना सिखाया जाता है कि किस तरह से वह निःशुल्क कृत्रिम अंग पाकर अपने पैरों पे खड़ा होता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे वह अपने परिवार का स्वयं ही भरण पोषण कर सके और आत्मसम्मान के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सके।